वंदे मातरम शिक्षक साथियों और शिक्षा जगत से जुड़े अन्य कर्मचारी साथियों, जैसा कि आपको पता है कल पूरे दिन इंतजार करने के बाद भी छठी सातवीं कक्षा के जो रिपोर्ट कार्ड है उसको प्रिंट करने का ऑप्शन शुरू नहीं हुआ। आज जो महत्वपूर्ण अपडेट है कि एक तो कक्षा तीसरी चौथी का रिजल्ट कैसे आप डाउनलोड करेंगे, रिपोर्ट कैसे डाउनलोड करेंगे, और कक्षा छठी सातवीं के जो रिपोर्ट कार्ड है आप कैसे डाउनलोड करेंगे। तो अभी मैं आपको एक तो ये बता दूँगी, यहाँ से जैसे सलाह दर्पण लॉगिन करने के बाद में आप परिणाम में जाने के बाद में परीक्षा परिणाम प्रविष्टि करेंगे, और यहाँ से जैसे जनरेट मार्क लिस्ट या ग्रीन सिटीज पे आप क्लिक करके यहाँ जैसे छठी या सातवीं का अगर आप यहाँ से करेंगे तो यहाँ शो रिजल्ट है, इसमें आपके वेरीफाई का तो ऑप्शन आ रहा है लेकिन प्रिंट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो छठी सातवीं और तीसरी चौथी की जो मार्क लिस्ट है, जैसे कि आपको पता है कक्षा पहली और दूसरी की तो होलिस्टिक कार्ड है वो आपको बनाना है मैनुअली, तीसरी चौथी और छठी सातवीं की किस तरीके से आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे अभी यहाँ प्रिंट का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ कि सबसे पहले क्या काम करना है। सबसे पहले आपको कक्षा तीसरी चौथी का रिजल्ट जनरेट करना है, तो उसके लिए पहला स्टेप है कि RKSMB के ऐप में टैब में जाकर के RKSMB के रिपोर्ट कार्ड डाउनलोड 2023-24 इस पर आपको क्लिक करना है। तो मैं एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ। यहाँ से जैसे RKSMB के ऐप है इस पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ क्लिक करने के बाद में यहाँ से जैसे लिखा हुआ है कि RKSMB कार्ड में डाउनलोड कार्ड 2023-24 और क्लास 3-4 सेलेक्ट करके डाउनलोड करना है। अब यहाँ से जैसे वापस यहाँ जाएंगे तो यहाँ रिपोर्ट आ रहा है कि RKSMB के रिपोर्ट कार्ड डाउनलोड 2023-24, यहाँ से आप पहले इसको डाउनलोड कर लें। अब यहाँ से जैसे आप कक्षा सेलेक्ट करेंगे, जैसे तीसरी की बात करें, यहाँ RKSMB के 3 और यहाँ शो पे क्लिक करना है। अब यहाँ स्टूडेंट की लिस्ट है, नाम, फादर का नाम, SR नंबर और एक्शन में डाउनलोड का ऑप्शन है, ये शो हो जाएगा। अब आपको यहाँ से जैसे यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन है यहाँ क्लिक करेंगे तो ये ओके पूछेगा, और यहाँ से इस तरीके से आपके डाउनलोड हो जाएगा। अब ये कक्षा चौथी तीसरी के स्टूडेंट का यहाँ से जैसे है कि ये विद्यार्थी का नाम आ गया, कक्षा अनुभाग आ गया, रोल नंबर आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ गई। अब ये सारी चीज़ें एक बार आप जरूर चेक कर लें, क्योंकि अभी मेरे पास कुछ मैसेज आ रहे हैं कि कुछ गलतियाँ आ रही है, जैसे रोल नंबर या नाम वगैरह में कक्षा वगैरह चेंज आ रही है, तो ये आप एक बार जरूर देख लें, विद्यालय का नाम, NIC कोड स्टूडेंट का, और ये इसके बाद में यहाँ से RKSMB के दक्षता प्रदर्शन में स्टार ये सारे शो हो रहे हैं। अब ये चीज़ ब्लैंक आ रही है, विद्यालय स्तर पर प्रदर्शन मूल्यांकन प्रदर्शन, तो इसका क्या करना है, यहाँ जैसे ऊपर साइन वाइन भी है, जैसे शिक्षक के हस्ताक्षर, माता पिता के परिणाम की दिनांक, अब ये ब्लैंक आ रहा है तो इसका क्या समाधान है, तो मैं यहाँ आपको बता दूँ। यहाँ से जो पहला स्टेप है कि प्रत्येक कक्षा के यानी तीसरी चौथी के प्रत्येक स्टूडेंट के सबसे पहले आपको डाउनलोड एंड प्रिंट रिपोर्ट कार्ड ऑफ द स्टूडेंट ये कर लेना है। उसके बाद सेकेंड स्टेप में आपको कक्षा 3-4 के प्रिंटेड रिपोर्ट कार्ड पर विद्यालय में CCE के अंतर्गत लिए गए सभी विषयों, जैसे SA1, SA2 और SA3 की जो भी ग्रेडिंग है वो आपको पेन द्वारा विद्यालय स्तर पर भरी जानी है। यानी जैसे इस तरीके का आपके सामने जो ब्लैंक आएगा, ये जो मार्क लिस्ट यहाँ से जैसे SA1, SA2, SA3 और जो भी विषय है इनके अलावा, जैसे अन्य विषयों के अलावा, ये आपको मैनुअली भरना है। अब यहाँ से जैसे देखेंगे तो सभी की जो पेन द्वारा ग्रेडिंग भरी जानी है, यानी ग्रेडिंग भरनी है, और विद्यालय विद्यार्थी से जुड़ी समस्त जानकारी और RKSMB के 1, 2, 3 की स्टार रेटिंग मार्क्स लिस्ट पहले से छपी हुई है, यहाँ से आप देखेंगे तो ये एक तो स्टूडेंट की जो यहाँ से विद्यालय से संबंधित जो भी सूचना है, जैसे विद्यार्थी का नाम, कक्षा है, रोल नंबर है, ये तो ऑटोमेटिक आपके छपी हुई आएगी, रोल नंबर, माता पिता के नाम वगैरह, ये मोबाइल नंबर सारे एक बार आप चेक कर लें जरूर। उसके बाद यहाँ से ये स्टार है, ये भी जैसे एक कक्षा में ये एक भाग में ये NA है, यानी या तो एबसेंट रहा होगा, बाकी में सारी स्टार ये किए हुए आ रहे हैं, 2-3 स्टार जो भी है, ये आपको मैनुअली पढ़ने हैं। SA1, SA2, SA3 के जो मार्क्स है वो विद्यालय स्तर पे आपने जो भी काम किया था वो आपको पढ़ना है। तो ये हो गया तीसरी चौथी के रिजल्ट की प्रक्रिया कि सबसे पहले आपको RKSMB के ऐप में जाना है, वहाँ से आपको RKSMB के रिपोर्ट कार्ड डाउनलोड करना है। मैंने आपको डाउनलोड करना बता दिया कक्षा तीसरी चौथी के लिए, छठी सातवीं का जो प्रोसेस है वो अलग है, वो मैं इसी वीडियो में बनाऊंगा, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन आप एक एक स्टेप बाई स्टेप देखेंगे तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी, और नहीं तो ऐसे आप उलझते रहेंगे, आप प्रिंट है वो छठी सातवीं का कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ग्रीन मार्क लिस्ट वगैरह उसमें प्रिंट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो यहाँ से जैसे सेलेक्ट तीसरी चौथी करके आपको प्रत्येक स्टूडेंट का है वो रिपोर्ट कार्ड डाउनलोड करना है, और उसके बाद में यहाँ से SA1 SA2 के जो मार्क्स है वो ग्रेडिंग है वो आपको विद्यालय स्तर पर भरी जानी है। अब ये हो गया। अब यहाँ से जैसे मान लो दूसरा अगर कोई एक और यहाँ से डाउनलोड करना चाहें आप, तो ये जो दूसरा था एक और मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से वापस यहाँ जो ये तो एक डाउनलोड हो गया, अब इसको अगर आप बैक जाएंगे तो यहाँ से मैं एक बैक करके आपको बता देता हूँ। अब यहाँ से जैसे आपको कक्षा 3 की जगह 4 सेलेक्ट करना है, और यहाँ से वापस RKSMB के 3 और यहाँ शो पे क्लिक करना है, तो आपके सामने कक्षा चौथी के स्टूडेंट्स की लिस्ट हो जाएगी। एक बार जरूर चेक कर लें कि जो स्टूडेंट्स शो हो रहे हैं वो कक्षा चौथी के ही हो रहे हो, ये ध्यान रखें, ऐसा नंबर वगैरह चेक कर लें। उसके बाद में यहाँ से आप वापस डाउनलोड करेंगे, तो यहाँ डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ
ये कक्षा चौथी का स्टूडेंट, इसकी मार्क लिस्ट एक तरह से शो हो जाएगी जिसमें ये डिटेल्स से ऑटोमेटिक फीड की हुई आएगी, स्टार्स से वो सारे भरे हुए हैं। इसके बाद में यहाँ से जो ऐसे 1, 2, 3 के जो मार्क्स या ग्रेडिंग है वो आपको यहाँ फीड करनी है। और यहाँ से जैसे 3 स्टार इसका मतलब अच्छा है, काम में प्रशंसा योग्य है, 2 स्टार इसका मतलब सही दिशा में, और मतलब जैसे 1 स्टार है यानी बाकी 2 स्टार खाली है तो मेहनत करने की जरूरत है। इस तरीके से ये पूरा कार्ड है आपको प्रिंट कर लेना है, उसके बाद में इसको पढ़ देना है। अब बात करेंगे कक्षा 6 और 7 का रिजल्ट कैसे जनरेट करेंगे। तो इसका पहला जो स्टेप है परीक्षा परिणाम में जाकर के परिणाम पृष्ठ में जनरेट एंड प्रिंट ग्रीन शीट, ये काम आपको सबसे पहले करना है कि आपको ग्रीन शीट जनरेट करनी है। यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ से आपको ग्रीन शीट है वो जनरेट करनी है। कक्षा 6-7 की बात करें तो यहाँ से आपको ग्रीन शीट जनरेट करनी है, उसके बाद आगे का प्रोसेस करना है। तो यहाँ से मैं आपको वापस ग्रीन शीट जनरेट करने का ऑप्शन है वो यहाँ से बता देता हूँ। तो यहाँ मैं आपको बता रहा था कि यहाँ जनरेट एंड प्रिंट ग्रीन शीट जो ऑप्शन है इसमें आपको जाना है। यहाँ से जैसे कक्षा आप यहाँ से रिजल्ट वाला सेक्शन सेलेक्ट कर लें, परिणाम प्रविष्टियाँ, और उसके बाद में जनरेट एंड प्रिंट मार्क लिस्ट 2023-24, इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से कक्षा सेलेक्ट कर लेनी है, जैसे 6 की बात करें तो यहाँ 6 है क्योंकि यहाँ 6, और इसके बाद में यहाँ से सेक्शन सेलेक्ट कर लें और यहाँ जैसे 100 स्टूडेंट है इस पर आपको क्लिक कर लेना है। अब यहाँ जैसे वेरीफाइड तो पहले आपको करना है, वेरीफाइड कर चुके होंगे क्योंकि वेरीफाई नहीं करेंगे तब तक तो आगे काम बढ़ेगा नहीं, लेकिन यहाँ आपको कहीं भी प्रिंट का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो यहाँ आपको एक बार तो ग्रीन शीट है वो शो कर देनी है यानी ग्रीन शीट जनरेट कर लेनी है। यहाँ से इस तरीके से ग्रीन शीट देख करके आप सारा यहाँ से पता कर लें कि SA3 के मार्क्स यहाँ शो हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं प्रत्येक स्टूडेंट के, और भी जो डिटेल्स है ये रिजल्ट वगैरह सारा शो हो रहा है, परसेंटेज शो हो रहे हैं, प्रमोटेड इन ऑन क्लासेज, इस तरीके का जो भी मैसेज है वो आ रहा है। अगर प्रमोटेड नहीं है तो जो भी होगा मार्क्स कम होंगे तो वो अपने आप से हो जाएगा। इसको आप अच्छी तरह से चेक कर लें। ये करने के बाद दूसरा जो स्टेप है यानी पहला काम कर दिया आपने, ग्रीन शीट और ये जनरेट कर ली, उसके बाद में आपको जाना है वापस कक्षा 6-7 का रिजल्ट है उसको सिलेक्ट करने के लिए, उसको रिजल्ट को वेरीफाई करना है। और वेरीफाई कैसे करेंगे तो यहाँ से जैसे सबसे पहले आपको स्टेप 2 में जाकर के RKSMB के ऐप में जाकर के अपडेट RKSMB के रिपोर्ट कार्ड दो कक्षा 6 और 7, यहाँ से वापस यहाँ से जैसे इसको वापस एक बार बैक कर लें, मैं आपको वापस बैक करके बता देता हूँ। यहाँ से जाने के बाद में आपको RKSMB के ऐप में जाना है, यहाँ से RKSMB के ऐप है इसको आपको ओपन कर लेना है, और यहाँ से ओपन करने के बाद में यहाँ एक ऑप्शन आ रहा है अपडेट RKSMB के रिपोर्ट कार्ड एंड फॉर क्लास 6 और 7, ये आपको यहाँ से क्लिक करना है। और यहाँ से क्लिक करने के बाद में यहाँ से आपको जैसे कक्षा 6 सेलेक्ट कर ली, स्टूडेंट का नाम यहाँ से जैसे सेक्शन सेलेक्ट कर लिया, 100 स्टूडेंट की लिस्ट आएगी। अब प्रत्येक स्टूडेंट का रिजल्ट आपको पहले अपडेट करना है, यहाँ से एक बार देख लें कि स्टूडेंट का नाम वगैरह सही आ रहा है। अब यहाँ से जैसे अपडेट रिजल्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से रिजल्ट है वो अपडेट हो जाएगा, स्टूडेंट रिजल्ट अपडेटेड। इसी तरीके से आपको प्रत्येक स्टूडेंट का रिजल्ट है यहाँ से आपको अपडेट कर लेना है, यहाँ से जैसे इस तरीके से, और मैं 1-2 आपको करके बता देता हूँ। यहाँ से जैसे मैंने ये अपडेट कर लिया, ये जैसे स्टूडेंट 3रा था इसको यहाँ से अपडेट कर लें, और ये जैसे रिजल्ट अपडेट सक्सेसफुली। अब इसके आगे क्या करना है तो यहाँ से सारे स्टूडेंट का आपने रिजल्ट अपडेट कर लिया, उसके बाद में सेलेक्ट क्लास एंड अपडेट रिजल्ट स्टूडेंट, ये हो गया। तीसरा जो स्टेप है RKSMB रिपोर्ट कार्ड डाउनलोड 2023-24, सेलेक्ट द क्लास एंड डाउनलोड द रिपोर्ट कार्ड फॉर स्टूडेंट। अब यहाँ आपको यहाँ से जैसे वापस इसको मैं इसी में जाना है RKSMB के एप में, और यहाँ से आपको रिपोर्ट कार्ड RKSMB के कार्ड डाउनलोड 2023-24 इस पर आपको क्लिक करना है। पहले आपने अपडेट कर लिया, उसके बाद यहाँ से जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको वापस कक्षा जैसे 6 सेलेक्ट कर ली, और यहाँ से टाइप में डिफॉल्ट आ रहा है RKSMB 3, और सो यहाँ और यहाँ से आपको स्टूडेंट का नाम वगैरह चेक कर लेना है कि 6 कक्षा की स्टूडेंट है। सारी डिटेल चेक करने के बाद यहाँ से डाउनलोड पे आपको क्लिक करना है। यहाँ से जैसे डाउनलोड करेंगे तो यहाँ से इस तरीके का इनका रिपोर्ट कार्ड निकलेगा जिसमें ये स्टूडेंट का नाम, कक्षा, रोल नंबर, जन्म तारीख, माता का नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, स्कूल का नाम, NIC कोड और ये आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ से आपके RKSMB के 1, 2, 3 के जो दक्षता के है, और यहाँ नीचे आप देखेंगे तो ये मार्क्स देखेंगे, ये आपके जैसे 3री-4थी में तो आपको मार्क्स की जगह वहाँ आपको ग्रेडिंग फीड करनी है, लेकिन 6री-7थी में आपको सारे मार्क्स यहाँ शो हो रहे हैं, जैसे प्रथम टेस्ट है, द्वितीय टेस्ट है, और अर्धवार्षिक, वार्षिक, और कुल योग जैसे RKSMB के जो भी योग है वो यहाँ शो हो रहा है। स्थानीय परीक्षा के योग 140-200 में से ये शो हो रहा है, और RKSMB के 60 नंबर का ये शो हो रहा है, और 200 में से ये मार्क्स शो हो रहे हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य शिक्षा, कला शिक्षा, कार्यान्वयन, इनके भी मार्क्स शो हो रहे हैं, ओवरऑल ग्रेडिंग वगैरह शो हो रही है, और परिणाम है वो तुरंत ये शो हो रहा है। अब मैं एक आपको बिना वेरीफाई किया अगर यहाँ से बता दूँ, यहाँ से जैसे डाउनलोड करेंगे जो अपडेट रिजल्ट था वो आपको करना था। अब यहाँ से जैसे मैंने आपको बताया कि अपडेट अगर आप नहीं करेंगे तो यहाँ इस तरीके से ये ब्लैंक आएगा।
अब कई बार जल्दीबाजी में आप कहेंगे कि मेरे तो इस तरीके की ब्लैंक ब्लैंक आ रहा है, तो इसको मैं आपको समाधान बता देता हूँ। यहाँ से आप जैसे इस तरीके करेंगे तो ब्लैंक आएगा, तो इसको आपको सबसे पहले मैंने आपको पहले बताया कि आरकेएसएमबी की में जा करके आपको अपडेट आरकेएसएमबी की रिपोर्ट करनी है। अब जैसे मैंने अभी मैं आपको वापस बता दूँ, यहाँ से जैसे मैंने 6 नंबर के जो स्टूडेंट है इसका डाउनलोड करके बताया, तो आइए जैसे नील आ रहा था या ब्लैंक आ रहा था, मैं आपको दोबारा करके बता दूँ। तो यहाँ से जैसे आप इसको प्रिंट करेंगे तो ये इस तरीके से आपके सामने ब्लैंक आएगा। अब इसी को मैं वापस आपको सही करके बता रहा हूँ। तो यहाँ से जैसे सबसे पहले आपको यहाँ से आरकेएसएमबी के ऐप में जाना है और अपडेट में जा करके यहाँ से जैसे कक्षा 6 सेलेक्ट कर ली और स्टूडेंट सेलेक्ट कर ली, यहाँ से सेक्शन और यहाँ से वापस स्टूडेंट, और मैं कक्षा 6 नंबर वाला जो स्टूडेंट था ये जो स्टूडेंट इसी को मैं आपको अपडेट करके बता रहा हूँ। यहाँ से जैसे मैंने रिजल्ट अपडेट कर दिया और क्लोज कर दिया, अब वापस इसकी रिपोर्ट आप आरकेएसएमबी के ऐप में जाएंगे और यहाँ से आपको रिपोर्ट है वो डाउनलोड करनी है। यहाँ से जैसे आरकेएसएमबी के कार्ड डाउनलोड, अब यहाँ से वापस उसी स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है जैसे 6ठी क्लास हो गई और यहाँ सो। अब मैं आपको एक बात, मैंने अभी आपको डाउनलोड किया था तो ब्लैंक आ रहा था, अब वापस उसको डाउनलोड करेंगे, ये 6 नंबर का जो स्टूडेंट है यहाँ से डाउनलोड करेंगे और यहाँ ओके पे क्लिक करेंगे, अब आपकी यहाँ से ये सारी डिटेल्स शो हो जाएगी। तो अगर आपके भी इस तरीके से ब्लैंक अगर मार्क लिस्ट या इस तरीके आ रहा है तो आप पहले जो भी प्रोसेस मैंने बताया उस प्रोसेस को आपको फॉलो करना है। यहाँ से आप देखेंगे तो ये सारे डिटेल्स है, कक्षा है, डेट ऑफ बर्थ है, मदर का नाम, फादर का नाम, ये सारे आ जाएंगे। आरकेएसएमबी के जो भी स्टार्स रेटिंग है वो आ जाएगी और यहाँ मार्क्स आ जाएंगे विद्यालय स्तर पे जो प्रदर्शन है, और आरकेएसएमबी के सारे योग वगैरह सारे आ जाएंगे, परीक्षा परिणाम वगैरह सब आ जाएगा। तो ये विशेष बात थी, मैं आपको एक बार दोबारा रिवाइज करा दूँ कि सबसे पहले आपको जैसे 3री 4थी का जो रिजल्ट है वो डाउनलोड करना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको आरकेएसएमबी के ऐप में जाना है, आरकेएसएमबी के रिपोर्ट कार्ड डाउनलोड 2023-24 में जाकर के आपको क्लास सेलेक्ट कर लेनी है 3री, उसके बाद 4थी, और उनके रिपोर्ट कार्ड है वो डाउनलोड करने हैं। उसके बाद में जो प्रिंटेड कार्ड है उस पर विद्यालय में सीसी की जो भी मार्क्स है SA1 SA2 SA3 उसकी ग्रेडिंग है वो आपको पेन द्वारा करनी है, और विद्यालय की समस्त जो जानकारी विद्यार्थी से संबंधित है वो सारी ऊपर प्रिंट की हुई होगी, मैंने आपको पहले बता दिया। तो ये तो था 3री 4थी का। 6ठी 7वीं के लिए आपको 2-3 स्टेप में काम करना है। पहले स्टेप में आपको परीक्षा परिणाम प्रविष्टि में जाकर के आपको ग्रीन सीट जनरेट कर लेनी है, सारे एक बार रिजल्ट वेरीफाई कर लें, ग्रीन सीट जनरेट कर लें। दूसरे स्टेप में आपको आरकेएसएमबी के ऐप में आना है, यानी इसी में जो मॉड्यूल दिया हुआ है ऐप वाला उसमें आना है, और अपडेट आरकेएसएमबी की रिपोर्ट कार्ड ये जरूर करना है। जब तक आप अपडेट नहीं करेंगे इसकी मार्क लिस्ट है वो ब्लैंक आएगी, खाली आएगी, और आप परेशान होते रहेंगे। तो ये जो स्टेप्स मैंने बताए उस स्टेप्स को आप फॉलो करें, और उसके बाद में आपको क्लास सेलेक्ट करके फिर यह 3रे स्टेप में आपको रिपोर्ट कार्ड आरकेएसएमबी का डाउनलोड करना है 23-24 का, और वो रिपोर्ट कार्ड डाउनलोड करेंगे तो उसमें सारे मार्क्स वगैरह है वो भी आ जाएंगे, ग्रेडिंग भी आ जाएगी और सारी डिटेल्स भी आ जाएगी। एक बार आप उसको चेक कर लें और सारा एकदम अच्छी तरह से डिटेल्स वगैरह चेक करने के बाद ही कन्फर्म हो जाए, उसके बाद ही आप इसको प्रिंट करें, नहीं तो अभी भी मान लो कुछ गड़बड़ है तो आप इसमें लेंगे। अभी तो इसमें ऑप्शंस भी है कुछ जो अपडेशन के वगैरह भी ऑप्शन है, यहाँ से जैसे यहाँ रिजल्ट्स वाला सेक्शन है परिणाम में, मान लो जैसे आपने वेरीफाई कर दिया, अब इसको अगर मान लो अनवेरीफाई करना चाहें, जैसे कक्षा 6ठी की बात करें यहाँ से 6ठी से आपने वेरीफाई कर दिया, लेकिन यहाँ मान लो अनवेरीफाई करना चाहें तो जस्टी का पहले अनवेरीफाई कर लें यहाँ से कर लें, और जो जो मैंने वेरीफाई किए वो यहाँ से हो जाएंगे। जैसे ये है अभी जो वेरीफाई किए वो सारे यहाँ से अभी अनवेरीफाई आप कर सकते हैं। उसके बाद में अगर कोई भी मार्क्स वगैरह है कुछ गड़बड़ है तो आप पहले उसको अपडेट कर लें। अपडेट करने के लिए वापस आपको परिणाम में जाकर के आपको परीक्षा परिणाम में एंट्री में जाना है, परिणाम प्रविष्टि इसमें जाकर के आपको जैसे कक्षा 6ठी का जो भी मार्क्स वगैरह है आपको कर लें, तो यहाँ से जैसे कक्षा 6 सेलेक्ट कर लें, सेक्शन सेलेक्ट कर लें, सब्जेक्ट से ऑल कर लें, और यहाँ से जैसे प्रथम टेस्ट में कुछ गड़बड़ है तो आप यहाँ से प्रथम टेस्ट सेलेक्ट करके इस तरीके से मार्क्स वगैरह जो भी आपके अपडेट करना चाहें वो यहाँ से अपडेट कर सकते हैं, उसको सेव कर लें, फिर वापस उसी को वेरीफाई करके जो भी स्टेप्स मैंने बताए हैं उसी स्टेप्स को आप फॉलो करें तो आपकी सारी समस्याएं समाधान हो जाएगा। तो मुझे लगता है मैंने पूरी डिटेल में आपको बता दी, फिर भी आप मैं ये जो सारी जानकारी दे रहा हूँ आपकी सुविधा के लिए दे रहा हूँ, अगर इसमें आपको कुछ भी कन्फ्यूजन है तो कृपया जो भी विभागीय नियम है या जो अभी शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी है उनसे संपर्क करते रहें, और इस संबंध में जो भी अपडेट होगी वो मैं अपने कम्युनिटी टैब पर प्रत्येक घंटे 2 घंटे में जब भी कोई नया अपडेट आता है इसके संबंध में मैं देता हूँ। तो चैनल पर बने रहें और जानकारी अच्छी और उपयोगी लगे तो अधिक से अधिक साथियों के साथ में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।